हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली दोस्तों, आज मुझे जो है एसुस की तरफ से मेल आ चुका है और लगभग सभी दोस्तों को ये मेल आ चुका है और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है उन्होंने इसका लिंक मेरे साथ शेयर किया है। तो उन सभी को थैंक्स यार कि उन्होंने जो है लिंक शेयर किया और मुझे भी यहाँ पर जो है मेल आ चुका है जहाँ पर ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए पाई बीटा लिंक दी गई है, जो आपको देखने को मिल जाएंगी आपके प्राइमरी इनबॉक्स में या फिर जो है स्पैम फोल्डर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 बीटा पावर यूज़र प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 6 सर्वर दिए गए हैं, जहाँ से आपको किसी भी एक सर्वर में से जो है इन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी फ़ाइल जो है डाउनलोडिंग के लिए लगा चुका हूँ और अभी ये जो है बहुत स्लो स्पीड मिल रही है और ये सारी जो है यहाँ पे आपको जो है गूगल ड्राइव की लिंक दी गई है, तो यहाँ से आप जो है इनको डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसी वीडियो में आप जान पाएंगे कि जो है इस बीटा फाइल को आपको जो है कैसे आपके ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में जो है फ्लैश करना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे इस फाइल को जो है डाउनलोड कर लेता हूँ जो गूगल ड्राइव पे आई है, जो देख सकते हो आप यहाँ पे आपको जो है ये मिल जाएंगी यहाँ पे। तो आपको इसको जो है डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आगे की स्टेप आप जो है इस वीडियो में जान पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, जिस घड़ी का हमें जो है इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुकी है और मैंने जो है अपने फ़ोन में ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का जो है बीटा फाइल डाउनलोड कर लिया है और आप देख सकते हो मैंने इसको जो है बिना किसी फोल्डर के जो है अपने फ़ोन में रखा है इसको, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। इस तरह से आपको आपके फ़ोन के जो है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज में रख लेना है इसको और उसके बाद आपके फ़ोन का जो है ये करीबन जो है 1.5 GB के ऊपर एक फाइल है और उसके बाद आपके फ़ोन का जो है आपको डेटा ऑन कर देना है। उसके बाद आपको जो है एक बार सिस्टम चेक कर लेना है, अगर आपके सिस्टम में ये डिटेक्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है FOTS सर्विसेज की जो है कैश एंड डेटा को जो है क्लियर करना होगा, उसके बाद आपके फ़ोन में ये जो है डिटेक्ट हो जाएगा या फिर आपका फ़ोन आपको जो है रिबूट कर लेना होगा। तो यहाँ पे अभी मेरी फ़ाइल जो है डिटेक्ट नहीं हुई है, तो अब मैं जो अपने फ़ोन का डेटा ऑन रखता हूँ और यहाँ पे उसको एक बार जो है रिबूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको यही प्रोसेस करना है और उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे जो है सिस्टम फाइल डिटेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए मैं अपने फ़ोन को यहाँ रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है अब ऑन हो चुका है और आप देख सकते हो सिस्टम फाइल यहाँ पर जो है डिटेक्ट हो चुकी है। देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो पाई बीटा की फ़ाइल हमने यहाँ रखी है वो यहाँ पे आ चुकी है और अब अबाउट में आप देख सकते हो मैंने जो है अभी लास्ट जो 27 फरवरी का मैनुअल OTA अपडेट किया था उस पर ही मैं यहाँ पे जो हूँ इसको अपडेट कर रहा हूँ और 1 फरवरी का यहाँ पे आप जो है सिक्योरिटी पैच देख सकते हो और एंड्रॉयड ओरियो पर ये बेस है। आपका कोई भी जो है सॉफ्टवेयर हो आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइल को जो है डाउनलोड करके इसको जो है अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इस फाइल को जस्ट ओके कर लेना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट अपडेट पैकेज देखेगा वहाँ पे आपको ओके कर देना है, उसके बाद आपके सिस्टम को ओके कर ले और यहाँ पर ये जो है सिस्टम फाइल अब जो है प्रिपेयर हो रही है अपडेट होने के लिए। तो यहाँ पर वक्त लग सकता है क्योंकि ये ओरियो से अब जो है पाए होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है इसको अपडेट कर लेते हैं और गाइज यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करें इसको अपडेट करने की, क्योंकि मैं जो हूँ आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि इसमें जो है क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं और क्या यहाँ पे बग्स हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो ये फाइल जो है सभी तक पहुँच गई है जिन्होंने भी एसुस के पाई बीटा प्रोग्राम में जो है इनरोल किया है, तो वो अपने इनबॉक्स में या फिर जो है स्पैम फोल्डर में देख सकते हैं जीमेल के, वहाँ पे उनको जो है 6 सर्वर के लिंक दी गई है और मैंने भी वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल अब जो है फ्लैश हो रहा है जो पाई बीटा है और अब देखते हैं हमें इसको अपडेट करने के बाद इसमें जो है हमें क्या कुछ जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जो है 1 या 2 दिन में यहाँ पर गेस नहीं कर सकते कि इसमें क्या हमें जो है बग्स देखने को मिल रहा है या फिर क्या चेंजेस आए हैं। आई होप मुझे लगता है ये जो है मैक्स प्रो M2 से बेटर हो क्योंकि यहाँ पे कुछ फीचर मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे उम्मीद करना ज़रूरी है एसुस से कि यहाँ पे जो है कुछ सीरियस ले के वो इस अपडेट में अच्छा दे।
तो चलिए मैं उसको अपडेट कर लेता हूँ और आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारा फ़ोन जो है बूट हो चुका है और यहाँ पे सक्सेसफुली हमने जो है इसे अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हो इंटरफेस चेंज हो चुका है और यहाँ पे कुछ ये नया फीचर देखने को मिल रहा है, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम वगैरह। तो खैर इसकी बात हम जो है बाद में करेंगे, तो पहले यहाँ पे सेटिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ओरियो की तरह यहाँ पे नया इंटरफेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी जो है डिजिटल वी बिंग मिसिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अबाउट में। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियली हम जो है एंड्रॉयड पाई पे आ चुके हैं, ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में। और यहाँ पे 1 फरवरी का सिक्योरिटी पैच इसमें जो है देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल इंटरफेस मैक्स प्रो M2 की तरह ही मिल रहा है आपको। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे एंड्रॉयड पाए आ चुका है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि कई दिनों से यहाँ पे इसका इंतज़ार किया जा रहा था, जो आज हमें जो है मैक्स प्रो M1 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो डार्क सेटिंग है यहाँ पे अप्लाई होती है क्या। तो गाइज़ ये जो है उसी तरह से यहाँ पे काम कर रही है जैसे मैक्स प्रो M1 में हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद सेम बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस देखने को मिलता है जैसा मैक्स प्रो M2 में हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से बग्स या फिर जो है नए फीचर आए हैं। तो अगर आप जो है इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको कर सकते हैं, और अगर आप कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि EIS अवेलेबल है या नहीं है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जी हाँ, यहाँ पे जो है इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है इसमें, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद है जो हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 4K तक हमें सपोर्ट मिल जाता है इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे इस तरह से नया इंटरफेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है एंड्रॉयड पाई की जो है जो मिसिंग लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर जो है डाउनलोड हो रही है। और इस तरह से यहाँ पर हमें जो है चेंजेस देखने को मिलता है मैक्स प्रो M1 में। तो गाइज़ अगर आप जो है इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो यहाँ पे, और इसकी जो नए फीचर है इसके बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे जो है मिस ना हो। और तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे अभी रात के 1 बज रहे हैं और मेरा यहाँ पे वीडियो अब जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।